हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल दवाई मेनिया में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विटामिन ई कैप्सूल के बारे में। ये विटामिन ई के कैप्सूल बहुत ही काम की चीज़ है। अगर आप इसे अलग अलग तरीके से यूज करते तो आप अपनी सुंदरता को और काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें दोस्तों, तभी आप विटामिन ई के कैप्सूल के बारे में पूरी जानकारी ले पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले विटामिन ई के कैप्सूल को एलोवेरा के साथ मिक्स करके हल्के हाथों से मसाज करने पर फेस पर और ज़्यादा ग्लो आने लगता। दूसरा, विटामिन ई के कैप्सूल को नारियल तेल के साथ मिक्स करके अपने सर पर और बालों पर लगाने से आपके बाल चमकने लगते। और तीसरा, विटामिन ई के कैप्सूल को बादाम के तेल के साथ मिक्स करके अगर आप अपने आँखों के नीचे लगाते हैं तो आपके डार्क सर्कल चले जाएंगे थोड़े दिनों में। लोग आपके चेहरे को देखकर आपके एनर्जी का पता लगा लेते। तो चलिए फ्रेश दिखने के तीन आसान टिप्स मैं आपको देता हूँ। टिप नंबर वन, रात के वक्त मुंह के बल नहीं सोना चाहिए। जो लोग मुंह के बल सोते हैं उनके चेहरे पर झुर्रियां पड़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए आप अपने पीठ के बल सोएं। टिप नंबर दूसरा, अपने चेहरे को कभी भी गर्म पानी से नहीं धोना चाहिए। गर्म पानी से जो लोग अपने चेहरे को धोते हैं उनको इरिटेशन और ड्राइनेस ज्यादा फील होती है, इसलिए ठंडे पानी से धोएं। नंबर तीसरा, अपने बालों को डेली नहीं साफ करना चाहिए। अगर आप अपने बालों को डेली साफ या धोते हैं तो आपके सर से नेचुरल ऑयल निकल जाता है, जिससे भविष्य में आपको बैड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये थे विटामिन ई के लिए, बस इतना ही। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। हमारा नारा, स्वस्थ रहेगा इंडिया तभी ताकतवर बनेगी इंडिया।